दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं यामाहा SZRR वर्जन 2.0 का, तो देखते रहिए हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों ये रही यामाहा SZRR वर्जन 2.0 जो कि अभी मेरे पास मैट ग्रीन कलर में अवेलेबल है। इसके और कलर वेरिएंट भी आते हैं जैसे कि प्रीडेटर क्यान, बीस्ट ब्लैक और भी शायद एक दो और हैं। तो दोस्तों SZRR यामाहा की तरफ से एक 150 सेगमेंट की बाइक है जो कि काफ़ी समय से अंडररेटेड रही है, लेकिन बिलीव मी दोस्तों इस बाइक का परफॉर्मेंस के मामले में कोई तोड़ नहीं है। ये उन बाइकों से काफ़ी बढ़िया है जो कि आपको 2-3 साल के अंदर ही इंजन से बेकार आवाज़ देने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस बाइक का वॉक अराउंड ले लेते हैं और इस बाइक के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लुक्स के मामले में बाइक काफ़ी बढ़िया है। फ्यूल टैंक पर यहाँ पर हमको यामाहा का लोगो दिया गया है, साइड में यहाँ पर SZRR लिखा हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। दोस्तों जो ओवरऑल ग्राफिक्स दिए गए हैं वो बाइक को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देते हैं। फ्यूल टैंक पर हमको मैट फिनिश कलर मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। साइड कवर्स का डिज़ाइन थोड़ा सा न्यू है, यहाँ पर यामाहा लिखा गया है, 150 लिखा है और यहाँ पर थोड़े से ग्राफिक्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ देखा जाए तो पावर एंड स्टाइलिश लिखा है, यहाँ पर ग्राफिक्स है और ब्लू कोर का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। टेल लाइट के ऊपर यहाँ पर यामाहा का लोगो दिया हुआ है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। बात की जाए ग्रैब बार्स की तो यहाँ पर हमको एल्यूमिनियम स्प्लिट ग्रैब बार्स मिल जाती हैं। दोस्तों ओवरऑल बाइक का लुक काफ़ी बढ़िया है। फ्यूल टैंक वगैरह भी मस्क्यूलर है जिस कारण बाइक का लुक और भी बढ़ जाता है, और जो बाइक के ऊपर पेंट किया गया है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और जो ग्राफिक्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं। तो दोस्तों लुक्स और डिज़ाइन वाइज बाइक काफ़ी बढ़िया है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है, एकदम मस्कुलर भी लगती है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इस बाइक की सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑन द टॉप सबसे पहले हमको यहाँ पर फुल एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है जिसमें हमको स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, टैकोमीटर सारा कुछ हमको यहाँ पर एनालॉग मिलता है। यहाँ पर हमको न्यूट्रल लाइट, पास लाइट और इंडिकेटर ब्लिंक लाइट भी मिल जाती है। बात की जाए हैंडल बार की तो यहाँ पर हमको बीचों बीच SZ लिखा मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। हैंडल बार पर लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर हमको लाइट एडजस्टमेंट अपर डिपर स्विच मिल जाता है, पास लाइट स्विच मिल जाता है, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिल जाता है। बात की जाए राइट साइड की तो यहाँ पर हमको इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। चूंकि ये बाइक BS4 बाइक है और इस बाइक में AHO फीचर भी है तो यहाँ पर हमको हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच नहीं मिलता है। ऑन द फ्रंट बात की जाए हेडलाइट की तो यहाँ पर हमको 35 वाट का मेन हेडलैम्प मिल जाता है और अपर डिपर, पास लाइट जैसे बेसिक फीचर भी मिल जाते हैं। बात की जाए इंडिकेटर लाइट्स की तो काफ़ी ब्राइट लाइट्स हैं जिन्हें हम दिन में भी आराम से देख सकते हैं। पीछे की तरफ हमको यहाँ पर यूनिक स्टाइल टेल लाइट मिल जाती है जो कि फिर से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और इस बाइक पर ये यूनिक स्टाइल टेल लाइट काफ़ी ज़्यादा सूट होती है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बात की जाए इस बाइक के फ्यूल टैंक की तो इस बाइक में आपको 14 लीटर्स की ह्यूज कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक मिल जाता है और टैंक देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर है जिस कारण इस बाइक को काफ़ी बढ़िया लुक मिल जाता है। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बात की जाए इस बाइक की सीट की तो इस बाइक की सीट ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा रिजिड है, इनको हम एक एवरेज कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली सीट कह सकते हैं। हाँ लेकिन इस सीट की बनावट काफ़ी बढ़िया की गई है जिससे जो प्लेन राइडर है वो स्लिप होके आगे साइड नहीं गिरेगा। यहाँ पर एक अच्छा बीच में उभार दिया गया है जिस कारण प्लेन राइडर स्लिप ना हो, जो कि यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी है। बात की जाए इस बाइक के इंजन की तो इस बाइक में आपको एयर कूल्ड 149cc 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि यामाहा की ब्लू कोड टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कि आपको 11% मोर फ्यूल इकोनॉमी प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू ओल्डर मॉडल्स। बात की जाए इस बाइक के पावर की तो ये बाइक 12.1 PS पावर प्रोड्यूस करती है 7500 RPM पर। बात की जाए नंबर ऑफ गियर्स की तो यहाँ पर हमको 5-स्पीड गियर्स मिल जाते हैं और माइलेज की बात की जाए तो यहाँ पर हमको 50 KMPL प्लस का माइलेज मिल जाता है। बात की जाए इस बाइक के ब्रेकिंग की तो इस बाइक में फ्रंट की तरफ 245 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, वहीं पीछे की तरफ देखा जाए तो 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो यहाँ पर हमको ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, यहाँ पर ब्रेकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक में। बात की जाए इस बाइक के टायर्स की तो सामने की तरफ हमको TBS कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है जिसकी साइज़ 2.75/17 है।
तो दोस्तों फ्रंट में भी ये टायर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, पैटर्न काफ़ी बढ़िया है टायर का, रोड पर ग्रिप के हिसाब से भी और लुक वाइज भी। बात की जाए रियर टायर की तो यहाँ पर भी हमको TVS कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसकी साइज़ 190/17 है। तो यहाँ पर टायर्स भी हमको इस बाइक में ठीक ठाक मिल गए हैं, पीछे का टायर देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है, साइज भी इस बाइक के हिसाब से बिल्कुल सही है, इस बाइक पर सूट होती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। दोस्तों बात की जाए इस बाइक की प्राइसिंग की तो ये बाइक आपको अप्रॉक्सीमेटली 84,000 रुपीज़ की पड़ेगी। थैंक्स टू सिद्धेश यामाहा जिनके कारण हम इस वीडियो को बना पाए, शोरूम की डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था यामाहा SZRR वर्जन 2.0 का रिव्यू। अगर आपको किसी और बाइक का रिव्यू करवाना है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं उसका रिव्यू वीडियो लेकर आ जाऊँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप उन वीडियोज़ को और मेरी दूसरी वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। और दोस्तों चैनल और न्यू वीडियोस से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।